नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच की आंच और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। पांच की आंच में आज सबसे पहले बात होगी सरकारी कॉलेज से जुड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब छात्र जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। उधर मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब धर्म की राजधानी बाबा महाकाल की नगरी होगी। साथ ही बात होगी बीजेपी के हाईटेक दफ्तरों की भी, जो किसी लग्जरी होटल की तरह होंगे। बात उस खबर की भी करेंगे जो आपको सावधान और सतर्क करेगी। कैसे रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर एक महिला ने 20 लाख रुपए की डिमांड रखी। मौसम बदल गया है, ऐसे में मौसमी बीमारियां पैर पसार रही हैं। डायरिया उल्टी दस्त के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब छात्र छात्राएं जींस टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म के चयन की जिम्मेदारी दी है। सरकारी कॉलेजों में अब ड्रेस कोड का पालन कड़ाई से किया जाएगा। वर्तमान में ज्यादातर कॉलेजों में यूनिफॉर्म लागू है, लेकिन उसका पालन नहीं होने से विद्यार्थी कॉलेज में अपनी मन मर्जी से ड्रेस पहनकर आते हैं। अब सरकारी कॉलेजों में छात्र छात्राएं जींस टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र ड्रेस कोड में कॉलेज पहुंचेंगे। तो ड्रेस कोड को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि वो भी आपको सुनवाते हैं। मध्यप्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अब गणवेश की व्यवस्था होगी, यानी कि हर कॉलेज का अपना एक यूनिफॉर्म होगा। इससे डिसिप्लिन आएगा और जो बाहरी तत्व होते हैं, बाहरी स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनकी पहचान हो सकेगी। इस मंशा के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ शिकायतें आई थी उसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा या फिर एक डिसिप्लिनरी एक्शन आप इसे मानते हैं? यहां से ही महाविद्यालयों में शिकायत आती है कि बाहर के छात्र घुस गए। प्राचार्य को और व्यवस्था के लोगों के लिए कठिनाई होती है कि वो दूर से किसी को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करते करते, विचार विमर्श करते करते, छात्रों में विश्वास पैदा करते करते, अभिभावक में विश्वास पैदा करते करते, हम एक गणवेश हर महाविद्यालय का अपना हो, ताकि उसकी अलग पहचान भी दिखे, अनुशासन भी हो और विद्यार्थियों में भी कोई कैसे कपड़े पहन का है, कोई कैसे कपड़े पहन, उसकी बजाय एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे तो उनमें भी समानता की भावना प्रकट होगी। सर, ये सभी के लिए लागू होगा, सारे स्टूडेंट्स भले ही वो किसी भी जाति धर्म के हों, समाज के हों? देखिए, इसमें जाति धर्म का विषय नहीं है। ये तो जो जिस कॉलेज में जो पढ़ता है वो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगा, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत व्यापक विमर्श के द्वारा ही आगे जा करके इसको लागू करें, ताकि सब लोगों में एक ड्रेस के प्रति भावना जागृत हो और महाविद्यालय में एक समानता का भाव प्रकट दिखे, इस प्रकार की कोशिश हम करेंगे। सर, किन्हीं परिस्थितियों में कोई विशेष छूट की बात भी है क्या सर इसमें? देखो, मैं समझता हूँ कि जो हम तय करेंगे वो बहुत अच्छा निर्णय होगा, सभी लोगों से विचार विमर्श करके, और सब लोग स्वीकार करेंगे, इसलिए इस विषय का कोई यहाँ महत्व नहीं होगा। ठीक। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक डिसिप्लिन हो, इसलिए ये निर्णय, ये फैसला जो है वो सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। एमपी में सभी सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। कॉलेज के छात्र क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मानना ये है कि ड्रेस कोड बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स के जैसे लगते हैं, कोई फैशन वाला नहीं लगता है, सब प्रॉपर लगेंगे और एज अ स्टूडेंट सबको यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। ड्रेस कोड मेरे हिसाब से बहुत सही है, जिसमें गरीब और अमीर में फर्क नहीं होता। अगर स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में तो नहीं आता समझ में, अच्छे लगते हैं वो एक जैसे समान। और ड्रेस कोड अच्छा है कॉलेज में, सबके बीच डिफरेंसेस मिट जाते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। तो सरकारी कॉलेजों में आखिर क्या वजह है जो ड्रेस कोड लागू करने को लेकर सरकार की तैयारी तेज दिख रही है? इसके पीछे के बड़े कारण क्या है, आइए वो कारण आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता देते हैं।
तो सरकार का ये विजन है कि इससे एकरूपता और समानता की भावना छात्रों के अंदर पैदा होगी। गरीब और अमीर और धर्म जाति का भेद भी नहीं रहेगा अगर एक ही लिबास में या एक ही ड्रेस में छात्र छात्राएं रहेंगे। छात्रों में शिक्षा के प्रति ज्यादा रुचि पैदा होगी, यानी कि कपड़े क्या पहनकर जाए, किस तरह के कपड़ों में इंटरेस्ट दिखाए, फैशन इसमें इंटरेस्ट ना होकर अपनी एजुकेशन में इंटरेस्ट होगा। और बाहरी लोगों की पहचान आसानी से की जा सकेगी, यानी कि जो अदर ड्रेस में होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे, उनकी पहचान करना भी आसान हो जाएगा। ऐसे में असामाजिक तत्वों की पहचान भी आसानी से हो पाएगी, क्योंकि छात्र जो होंगे वो स्कूल की ड्रेस में होंगे और जो बाहरी तत्व होंगे वो आपको सिविल ड्रेस में नजर आएंगे। दरअसल कई कॉलेजों में ड्रेस कोड पहले से लागू है और कॉलेजों में कड़ाई से उसका पालन भी हो रहा है, संभवतः एक बड़ी वजह है इस तरह का फैसला लेने की। वहीं छात्र जो है अधिकतर कॉलेजेस में देखा गया है कि अगर सख्ती नहीं होती है तो ड्रेस कोड से बचते हैं, कैंपस में फिर बहुत कम ही छात्र ड्रेस कोड में नजर आते हैं अगर सख्ती दिखाई नहीं जाती है तो। और मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले बड़ा फैसला लिया है। मोहन यादव सरकार ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को राजधानी भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन शिफ्ट करने के निर्णय लिए। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंगर से पहले ये सीएम मोहन यादव का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक को भी उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राजधानी भोपाल सतपुड़ा भवन संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब ये विभाग भोपाल से संचालित नहीं होगा बल्कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अब उज्जैन स्थित सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के भवन से संचालित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग प्रदेश में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के साथ साथ अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का आयोजन करता है। इसी विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इसके चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक को भी उज्जैन ट्रांसफर करने का फैसला किया है। और सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने हालांकि इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के नेता और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि धार्मिक मुख्यालय जो अधिकारी बैठेंगे वो ईमानदारी से कार्य को निभाएंगे। जिन धार्मिक स्थल होने के साथ साथ अब धार्मिक मुख्यालय भी होगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फैसला है। और आप हमारे साथ में कांग्रेस नेता रवि राय हैं, इनसे पूछेंगे। राय साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फैसला आया है कि धार्मिक मुख्यालय उज्जैन होगा, क्या समझते हैं? निश्चित रूप से उज्जैन शहर के लिए ये फैसला उचित है, स्वागत योग्य है, क्योंकि उज्जैन एक धार्मिक शहर है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, राजा भर्तरी, राजा विक्रमादित्य, विक्रम संवत की स्थापना, माँ शिप्रा का पावन जल और भगवान महाकालेश्वर की नगरी और सीएस कुंभ की नगरी, तो निश्चित रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये नगरी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी रही है। और अगर इसे पुनः धार्मिक स्थल में प्रशासनिक दृष्टि से अगर इसको राजधानी बनाया जाता है तो उसका कदम हम स्वागत योग्य कदम है। पर पूर्व में इस प्रकार के सीएस प्रकोष्ठ, पूर्व में आध्यात्मिक प्रकोष्ठ, कई प्रकार के प्रकोष्ठ उज्जैन में बनाए गए थे, पर उनका कोई काम सार्थक नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होगा, अच्छा कार्यालय होगा, वो काम करने के लिए बजट भी होगा, अधिकारियों में आपसी सामंजस्य होगा, बिना किसी विवाद के यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल है उनका विकास होगा, मैं इसी कामना करता हूँ। और निश्चित से मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। तो ये रवि राय थे जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो फैसला लिया है ये स्वागत योग्य है, और जिस तरीके से उज्जैन को विकास के पंखे लगेंगे इसमें ईमानदारी से जो अधिकारी हैं वो अपना कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आने वाले सिंहस्थ में उज्जैन में विकास कार्य दिखेगा। अजय पट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। अब बात आती है आखिर उज्जैन को ही मोहन सरकार ने क्यों चुना है और धार्मिक मुख्यालय उज्जैन में बनने से आखिर होगा क्या, ये भी आपको बताते हैं। तो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, धार्मिक गतिविधियों का उज्जैन सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में उज्जैन श्रद्धालु पहुंचते हैं, संचालक से पूरा जो स्टाफ अब यहां बैठेगा इस विभाग का। धार्मिक आयोजन यहीं से निर्धारित होंगे, सिंहस्थ की रूपरेखा भी यहीं से ही तय की जाएगी और उज्जैन से तीर्थ दर्शन योजना का संचालन भी किया जाएगा। आसपास के इलाकों में जो मंदिरों का विकास भी, उसका रोड मैप भी अगर हम कहें तो यहीं से तैयार होगा। स्वरोजगार के अवसरों में भी तेजी से इजाफा होगा और इसीलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन का चयन किया गया है।
और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाले चुनावों को लेकर एक्टिव दिख रही है। प्रदेश बीजेपी ने इसको लेकर काम शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल की तर्ज पर प्रदेश में बीजेपी हाईटेक दफ्तर बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 16 जिलों में हाईटेक दफ्तर बनाने की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। इनको बनाने में करीब 1.5 से 2 साल का समय लगेगा, यानी 2026 तक बीजेपी का दफ्तर तैयार हो जाएगा। उसके 2 साल बाद यानी 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में ये दफ्तर बीजेपी के लिए एक वॉर रूम की तरह काम करेंगे। और राजधानी भोपाल में 100 करोड़ रुपए से बन रहे बीजेपी दफ्तर का काम लगभग 30% पूरा हो चुका है। यहाँ 400 गाड़ियां पार्क करने के लिए 2 बेसमेंट में पार्किंग भी बनाई गई है। और 16 जिलों में बीजेपी करोड़ों रुपए की लागत से दफ्तर बना रही है। कई जगह काम शुरू हो गए हैं तो कई जगह पर काम जारी है। आपको बताते हैं कि दफ्तर कैसे हाईटेक होंगे और क्या क्या सुविधाएं इन दफ्तरों में होंगी। तो हर दफ्तर में करीब 2 करोड़ की लागत आएगी इनको बनाने में। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर सोलर एनर्जी पैनल तक की व्यवस्था यहां पर रहेगी। फायर सेंसर एक्शन बैकअप इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम एडवांस किचन मॉड्यूलर सिस्टम तक यहां पर सब कुछ होगा। दस्तावेजों के लिए लॉकर भी बनाए जाएंगे ताकि समय समय पर पार्टियों के लिहाज से जो दस्तावेज इस्तेमाल करने हैं उनका भी इस्तेमाल हो सके। हर जिले में 250 लोगों के लिए एक हॉल बनेगा। बैठक के लिए राउंड टेबल हॉल की भी व्यवस्था की जाएगी। जिला अध्यक्षों मोर्चा अध्यक्षों के चैंबर भी यहां पर विशेष तौर से बनाए जाएंगे। हर दफ्तर में गेस्ट रूम बनाए जाएंगे। 5 से 15 हजार स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है। 3 से 8 हजार स्क्वायर फीट 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही। भोपाल से VC के जरिए जिला कार्यालय भी लिंक होंगे। तो बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पांच की आंच है बिलासपुर की, जहां डायरिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर दिन नए मरीज सामने आ रहे हैं। उधर नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। डायरिया के मामले बढ़ने के बाद कलेक्टर ने भी अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों का हाल जाना। बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन डायरिया के नए मरीज सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक 200 से ज्यादा डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। दूसरे इलाकों में भी डायरिया के मरीज मिल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। डायरिया का प्रकोप, डायरिया के 17 नए मरीज मिले। मस्तूरी और बिलहा में मिले मरीज। लोगों में उल्टी दस्त की समस्या। रतनपुर में 13 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग कर रहा सर्वे। डायरिया फैलने की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर अवनीश शरण रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां कलेक्टर ने मरीजों का हाल जाना और डॉक्टरों को इलाज के निर्देश दिए। रतनपुर नगर पालिका के विशेष रूप से वार्ड नंबर 3 में डायरिया की 3-4 दिनों से शिकायत थी। हालांकि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका की पूरी टीम, राजस्व विभाग लगातार काम कर रही है। कुछ लोग एडमिट सिम्स में भी थे, उसमें से कुछ को डिस्चार्ज भी मिला है और कुछ यहाँ पे CSC रतनपुर में एडमिट है। लगभग 20 के करीब सभी स्टेबल हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो मुख्य समस्या समझ में आ रही है, अभी तो खैर ठीक है वो चीज़, बट जब बारिश बहुत तेज हुई तो नाले से जो पाइपलाइन गुजरता है और वहां से कुछ लोगों ने टुल्लू पंप के माध्यम से अपना पाइप लगा के करा हुआ है, वो पाइप जो है वो क्षतिग्रस्त। डायरिया फैलने की वजह दूषित पानी को बताया जा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर ने CMO को पाइपलाइन बदलवाने के निर्देश दिए हैं। जहां तक जर्जर पाइपलाइन बदलने की बात है, CMO को मैंने निर्देशित किया है उन सब पाइपलाइन को बदलें। अगर आपके पास फंड नहीं है तो उसका प्रस्ताव बनाए, उसको फंड भी दिया जाएगा। और सभी पाइप जो अभी मेन काम है उसको ऊपर करना, पाइप जो नाले में नीचे से जा रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सचेत करेंगे कि वहां पे अपने पाइप लगा के, प्लास्टिक के पाइप लगा के पानी न खींचे, जिससे कि डायरिया का फ्यूचर के लिए हम लोग कंट्रोल कर सकें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों के 500 घरों का सर्वे किया गया है, जिसमें मरीजों की संख्या में कमी देखी गई है। हालांकि दूषित पानी के कारण डायरिया का प्रकोप थम नहीं रहा। बिलासपुर से उमेश मौर्य, न्यूज 18। मुंगेली में बारिश और उमस भरी गर्मी से मौसमी बीमारियों से कई लोग बीमार हैं। जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों की भीड़ अब दिख रही है।
जिला अस्पताल के ओपीडी में 400 से 500 मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर मरीज उल्टी दस्त और वायरल फीवर के हैं। स्नेक बाइट के मामलों में भी इजाफा हुआ है, लिहाजा सभी स्वास्थ्य केंद्र पर स्नेक वेनम की व्यवस्था कराई गई है। उल्टी दस्त के मरीजों के लिए हम लोग तो सावधानी के तौर पर हर ग्राम में, जैसे कि शासन की योजना है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरा डायरिया स्टाफ चल रहा है, तो उसमें घर घर जाके ORS और जिंक की टेबलेट वहां से टीम द्वारा प्रदाय की जा रही है। और अस्पतालों में भी क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो हल्का फुल्का सर्दी बुखार के मरीज की संख्या थोड़ी सी बढ़ी हुई है। और छतरपुर में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया, एक पुलिस आरक्षक को झूठे केस में फंसाने के नाम पर 5 लाख रुपए ठग लिए गए, लेकिन जब लड़की का लालच बढ़ा तो उसने 20 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित के पिता ने पुलिस को शिकायत की, पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। लालच ने बना दिया ठग, रेप केस में फंसाने की धमकी, महिला के द्वारा उसके पिता को ब्लैकमेल किया जा रहा था, आरक्षक पिता से ऐंठे लाखों रुपए, ब्लैकमेल का खेल हो गया फेल। पहले 5 लाख रुपए दिए लेकिन महिला का लालच और बढ़ गया, उसने 20 लाख रुपए की मांग की, नहीं तो वो रेप के केस में फंसा देगी। जी हाँ, ये कहना है ब्लैकमेल करने वाली आरोपी युवती का, जिसने पुलिस आरक्षक को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इस धमकी से आरक्षक का पिता डर गया और उसे 5 लाख रुपए दे दिए। इसका एक CCTV भी सामने आया है, इसमें आप देख सकते हैं युवती हाथों में रुपए लेकर गिन रही है। दूसरी तरफ पीड़ित पिता युवती को नोटों की गड्डियां दे रहा है सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस में झूठी शिकायत ना दे। लेकिन जब युवती को 5 लाख रुपए मिल गए तो उसका लालच बढ़ गया और उसने 20 लाख रुपए की डिमांड कर दी। पीड़ित पिता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी। शादी के लिए मैं परेशान कर रही थी, मैंने रखी तो कब के जॉब में निकल गया था, तो फिर बोले जगह के हमने 5 लाख रुपए दिए हैं और फिर परेशान कर रहे थे, हमने मारा थाने में शिकायत की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने महिला पुलिस थाना में युवती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। मैं महिला के द्वारा उसके पिता को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो हम आपके लड़के को झूठे बलात्कार के केस में फंसा देंगे, और उसी के चलते उसने कई बार उससे ब्लैकमेलिंग की और एविडेंस मिलने पर फिर उसमें थाना में FIR रजिस्टर्ड हुई और उस पर कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक की शादी फिक्स हो गई थी, इससे युवती नाराज हो गई और उसने आरक्षक को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर से नरेंद्र परमार, News 18। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, किरण रिजिजू एक्सरसाइज करते इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति उनकी सजगता की लोग लगातार सराहना कर रहे हैं, तो यह वीडियो किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, और पहले भी जब एक चैलेंज आया था उस चैलेंज में भी किरण रिजिजू ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं, काफी फिट भी दिखाई देते हैं किरण रिजिजू, और यहाँ हेल्थ के लिए सजग भी कर रहे हैं और दूसरों को भी कि आप सब लोग बहाने बनाते रहिए, एक्सक्यूज तलाशते रहिए, लेकिन वो मंत्री हैं, व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी अपनी सेहत के लिए समय निकाल लेते हैं। अक्सर हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि समय नहीं होता है, लेकिन आप समझिए कि केंद्रीय मंत्री हैं जो आप कह रहे हैं पढ़ना, बावजूद ये समय निकालते हैं, महत्वपूर्ण विभाग इनके कंधों पर है देश के, बावजूद अपनी सेहत के लिए समय निकालते हैं ये। बिल्कुल, और यही वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरों को इंस्पायर भी ये वीडियो कर रहा है। आप कितनी इंस्पिरेशन हम लोग हासिल करते हैं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो की बहुत तारीफ सब कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की इस पहल की भी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने फिटनेस के प्रति लोगों को सजग करने का काम किया है। एक नजरिए से केंद्रीय मंत्री का चैलेंज भी है कि आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालिए अपनी सेहत के लिए। तो 5 की आज में हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए ग्राउंड जीरो।